हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तो तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो गाइस, आपको मैं एक चीज बता दूं, इस SBI PO और क्लर्क में आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो आपको हर सब्जेक्ट में परफेक्ट पकड़ आपकी बनानी होगी। चाहे वो रीजनिंग ले लो, चाहे मैथ्स ले लो, चाहे आपका इंग्लिश ले लो। अगर आपको प्री क्वालिफाइड करना है ना, तो तीनों के अंदर आपकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए पकड़। तो अब आप ये नहीं कर सकते कि आप देखो, आपने कट ऑफ देखी 70 से 75 80, मतलब 70 80 85 जा रही है। क्यों जा रही है? वो इसी वजह जा रही है कि आपको अब कंपटीशन उन्हीं बच्चों के साथ है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। लल्लू पंजू बच्चों के साथ आपका कंपटीशन नहीं है, ठीक है। इफ यू क्रैक द प्री एग्जाम प्री एग्जाम कट ऑफ, देन यू विल परफेक्ट इन ईच सब्जेक्ट, ओके। तो अब देखो, आपको मैं बताऊंगा, मैं आपको रीजनिंग में वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो क्या है, आपका 70 to 80% सिलेबस करता है कवर। मतलब रीजनिंग का वो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है जो आपका 70 to 80% सिलेबस करता है। इसके लिए मैंने 1000 पजल की सीरीज स्टार्ट की। इसको स्टार्ट की मैं, देखो हमारी आज 61 क्लास, 1-2 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अगर आपने कोई बात नहीं, अगर स्टार्टिंग से नहीं देखे, आप अभी से अगर आप रेगुलर मेरे साथ जुड़ जाते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी प्री लेवल की पजल हो चाहे मेंस लेवल की पजल हो, हर प्रकार की पजल आप इजी कर जाओगे। अब देखो, 3 दिन मैं प्री लेवल की पजल कराऊंगा और 3 दिन मैं मेंस लेवल की पजल कराऊंगा। क्योंकि देखो, हमारा क्या है कि RBI असिस्टेंट का मेंस है, ठीक है, हमारा क्या है ESIC UDC का भी मेंस है, तो दोनों को टारगेट कर रखा है मैंने, और SBI PO और क्लर्क को भी टारगेट कर रखा है, ठीक है। चलिए, ज्यादा देर न करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, अब ये आपकी पजल नंबर क्या है, 131 है। इसमें क्या बोला, 8 फ्रेंड है आपके सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ये सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हैं। सम आर फेसिंग द सेंटर वाइल सम आर फेसिंग आउटसाइडर सेंटर। यह आपका हिंदी मीडियम के लिए, कोशिश करना वीडियो को पॉज करना या स्क्रीनशॉट लेना, उसका एक बार क्या करना, डीपली खुद ट्राई करना एक बार, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन। देखो मेरे पास क्या है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, मतलब मेरे पास क्या 8 पर्सन है। तो देखो, एक तो मैं सही से बनाता हूँ एक बार, ये हो गए मेरे 8 पर्सन। अब मुझे इनका फेस नहीं पता, उसने क्या बोला, कुछ का फेस आपका सेंटर की तरफ है, कुछ का फेस आपका आउटसाइड, ठीक है। अब देखो, यहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी के थर्ड राइट में कौन बैठा है, आपका बी बैठा है। अब पॉसिबिलिटी ये कि डी का फेस क्या हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है, ठीक है। आगे बोला, एंड बोथ आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब दोनों आपके क्या है ऑपोजिट फेस करेंगे, ठीक है। मतलब ऑपोजिट फेस कैसे, अगर डी आपका इनसाइड देखता है तो बी आपका आउटसाइड होगा, अगर डी आउटसाइड है तो बी आपका इनसाइड होगा, ये चीज आप जानते हो। आगे बोला, द इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेस सेम डायरेक्शन, मतलब ई के जो पड़ोसी होंगे ना दोनों ये वाले, उनका क्या होगा, आपका सेम फेस होगा। सेम फेस कैसे, अगर एक आपका इनसाइड देखता है तो दूसरा भी इनसाइड देखेगा, अगर दूसरा आउटसाइड है तो पहला आपका आउटसाइड होगा, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। आगे बोला, देयर इज ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन डी और एच, डी और एच के बीच में आपका 1 पर्सन आएगा। मैं अपने आप को हाइड कर रहा हूँ गाइस थोड़ी देर के लिए। अब देखो, डी और एच के बीच में आपका 1 पर्सन है। अब पॉसिबिलिटी ये कि डी एच के लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हमारे पास, ठीक है। आगे बोला, इमीडिएट नाइबर्स ऑफ डी फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्या है कि डी के जो दोनों पड़ोसी हो ना, वो आपके क्या होंगे, ऑपोजिट फेस करेंगे। कैसे, अगर एक आपका इनसाइड है तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, आउटसाइड। आगे बोला कि सी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ आइदर एच और डी, मतलब सी आपका ना तो एच का पड़ोसी होगा ना आपका डी का पड़ोसी होगा, ठीक। अभी तक मुझे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो मेरी क्या हो डेफिनेट, ठीक है। आगे बोला है, एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई हु फेस आउटसाइड। अब ये मेरी क्या है कि डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, वो किसके लिए आया, आपका ई आया ई के लिए। अब वो का फेस क्या है, आपका आउटसाइड है, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, मेरा ई आ गया। मैं अभी पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ।
है सेकंड राइट में आपका एफ है तो इसका राइट इधर ही पॉसिबल है ना, इधर तो क्या होगा लेफ्ट होगा, यहाँ पे क्या आ गया मेरा एफ आ गया। ठीक है आगे बोला है एच सीट अपोजिट टू एफ, एफ जो एच के अपोजिट बैठेगा मतलब एफ के अपोजिट आपका यही आएगा। ठीक है एंड बोथ फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन होगा मतलब कैसे एक इनसाइड है दूसरा आउटसाइड होगा, अब हमें नहीं पता अभी तक। ठीक है आगे बोला ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, जी के सेकंड राइट में मेरा ए आएगा। आगे बोला है द इमीडिएट नाइबर ऑफ एच फेस सेम डायरेक्शन एज सी, मतलब कह रहा है कि सी जैसे फेस करेगा ना वैसे एच के पड़ोसी फेस करेंगे। ठीक है अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं इन्फॉर्मेशन को, बाकी को देखो इसको मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि हमें याद रहे कौन सी इन्फॉर्मेशन बाकी है हमारी। ठीक है चलिए अब देखो आपको ये देखो ये हो गया, अब देखो ये वाली क्या कह रहा है एच और डी के बीच में एक पर्सन है, अब एच की इधर पॉसिबल है क्या डी, नहीं ना, इधर ही आपका क्या आ जाएगा आपका डी आ जाएगा। ठीक है जी अब डी के थर्ड राइट में आपका बी है यानी ये वाली इंफॉर्मेशन, एक दो तीन इधर पॉसिबल है, एक दो तीन इधर भी पॉसिबल है। अब कैसे है? मैं जैसे सपोज क्या करता हूँ पहले केस के हिसाब से मैं डी को ले लेता हूँ इनसाइड, ये आउटसाइड भी हो सकता है, तो डी को इनसाइड लिया तब एक दो तीन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। ठीक है जी अब बी आ गया बट एक चीज आप देखो जो सी आपका ना तो एच का पड़ोसी है ना डी का पड़ोसी है, सी यहाँ पे भी नहीं आएगा, सी यहाँ पे भी नहीं आएगा ना सी आपका यहाँ पे आएगा, तो इस हिसाब से सी की कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो अब इसके हिसाब से आपका क्या होगा डी आपका क्या हो जाएगा आपका आउटसाइड फेस होगा, क्या होगा आपका आउटसाइड फेस होगा। अब उसके थर्ड राइट में देखो एक दो तीन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अब डी के पड़ोसी ना तो सी है, इधर भी नहीं आएगा सी ना इधर आएगा, सी की जगह कंफर्म हो गई आपकी ये होगी। ठीक है अब देखो आपके क्या है जी के थर्ड राइट में आपका सॉरी जी के सेकंड राइट में आपका ए है, बट देखो आपका डी के और डी और बी आपके ऑपोजिट फेस है, डी आपका आउटसाइड है मतलब बी आपका क्या हो जाएगा इनसाइड हो जाएगा, और ई के जो पड़ोसी है दोनों उनका सेम फेस है मतलब सी का भी आपका इनसाइड हो जाएगा। ठीक है ये हो गया मेरी, अब मैं देखो इसको यहां से इरेज कर देता हूँ। ठीक है अब देखो आपकी ये देखो ये वाली इंफॉर्मेशन इमीडिएट नाइबर ऑफ एच फेस सेम डायरेक्शन एज सी, जो एच के पड़ोसी है वो दोनों क्या है आपके सी के जैसे फेस कर, एच के पड़ोसी बी है तो बी आपका सी की तरह होगा तो सी आपका इनसाइड है तो बी इनसाइड हो गया तो ये भी आपका क्या हो जाएगा इनसाइड हो जाएगा। ठीक है और डी के जो दोनों पड़ोसी आपके ऑपोजिट फेस करते हैं मतलब ये पड़ोसी आपका क्या इनसाइड देख रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है जी चलिए तो अब इसको यहां से हम इरेज कर देते हैं, सारी इंफॉर्मेशन हो गई तो मैंने आपको मैं शो कर देता हूं। अब देखो या तो मेरा जी यहां पे आएगा या फिर ए आएगा या फिर जी मेरा यहां पे आएगा या फिर ए आएगा, कि जी के सेकंड राइट में इधर भी पॉसिबल है ये या जी इधर है तो इधर भी पॉसिबल है। अब देखो ये वाली इंफॉर्मेशन ए एंड एच फेस सेम डायरेक्शन एज सी मतलब ए इक्वल टू एच इक्वल टू सी, इन तीनों का फेस आपका सेम डायरेक्शन में, सी का इनसाइड है तो एच का भी इनसाइड होगा। अब ए यहाँ पे कौन ले सकते हैं क्योंकि ए का भी इनसाइड होना चाहिए तो मुझे पता चल गया यहाँ पे क्या आ जाएगा ए और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा जी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा ए आ जाएगा यहाँ पे मेरा जी आ जाएगा, ये क्या होगी मेरी सेटिंग। तो यही मैं आपको बोलता हूँ कोशिश करो सारी इन्फॉर्मेशन एक बार लिख लो, उसके बाद क्या करो ऐसा करो कि आपको डेफिनेट इन्फॉर्मेशन से उसको स्टार्ट करना। तो गाइस मैं कोशिश करता हूँ दो पजल लूँ या दो सिटिंग रिव्यू क्वेश्चन लेता हूँ फुली कंसंट्रेट होकर उसको मैं पढ़ाता हूँ ताकि आपको भी ज़्यादा बोरिंग ना लगे, आप भी उसको जब जितना ज़्यादा वीडियो लंबा होगा
आप उतना उसको नहीं देखोगे, आप यही करोगे। तो मैं आपको यही बोलता हूँ, आप कोशिश करो उसको ऐसा देखो कि आपकी क्या हो वो एकदम परफेक्ट तरीके से हो जाए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे आपके पास आया है कि 7 फैकल्टी मेंबर्स है, ये रीजनिंग के आपके 7 फैकल्टी मेंबर्स, प्रदीप सर, राधे सर, पुनित सर, अंकुश सर, अनिल सर, प्रिया मैम और मधु मैम लिव ऑन 8 स्टोरी बिल्डिंग। मतलब 8 स्टोरी बिल्डिंग मतलब क्या है कि आपका एक फ्लोर खाली है। क्यों, 8 बिल्डिंग के फ्लोर हो गए, एक आपके फ्लोर कैसे खाली होगा, क्योंकि उसने क्या बोला कि 7 मेंबर है, ठीक है। यहाँ पे ये हिंदी मीडियम में, तो कोशिश करना, खुद ट्राई करना, नहीं बनता एक बार तो कोशिश करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैंने इसको फ्लोर बेस्ड बना लिया, मेरी इंफॉर्मेशन दी, यहाँ पे बोला भी था 1 फ्लोर इज एम्प्टी इन द बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड टॉप फ्लोर इज 8। अब देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेरी स्टार्ट होती है, एटलीस्ट 1 पर्सन बिटवीन प्रिया मैम एंड अंकुश सर। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है कि 2 भी बैठ सकते हैं, 3 भी बैठ, एक तो बैठना ही चाहिए इसके बीच में, आपके प्रिया मैम और अंकुश सर के बीच में एटलीस्ट का मतलब एक भी बैठ सकता है, 2 भी बैठ सकते हैं, 3 भी बैठ सकते हैं, इसके बीच में अंकुश सर के। अब पॉसिबिलिटी ये कि अंकुश सर प्रिया मैम के ऊपर भी आ सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं, दोनों केस पॉसिबल है, ठीक है। आगे बोला कि 2 पीपल लिव बिटवीन राधे सर और पुनित सर, प्रदीप सॉरी प्रदीप सर, मतलब क्या है कि प्रदीप सर और राधे सर के बीच में आपके 2 पर्सन आएंगे। अब पॉसिबिलिटी है कि राधे सर आपके प्रदीप सर के ऊपर भी आ सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं, दोनों केस पॉसिबल है। अगर बोला कि हु डज नॉट लिव ऑन अ ग्राउंड फ्लोर, हु किसके लिए, आपका राधे सर के लिए, तो राधे सर आपके क्या हो गए, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आएंगे, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आएंगे, यहाँ पे राधे सर नहीं आएंगे, ठीक है। आगे बोला है कि हाँ प्रदीप सर लिव 2 फ्लोर अबाव मधु मैम, तो 2 फ्लोर अबाव का मतलब क्या है कि देखो प्रदीप सर और मधु मैम के बीच में कितने पर्सन आएंगे, आपके 2 पर्सन सॉरी 1 पर्सन आएंगे, ठीक है। आगे बोला अंकुश सर लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, इवन नंबर पे आएंगे बट नॉट ऑन अ टॉप फ्लोर, यहाँ पे अंकुश सर नहीं आएंगे, ठीक। नेक्स्ट बोला है कि पुनित सर लिव अबाव अनिल सर बट बिलो मैं प्रिया मैम, जो आपके पुनित सर है ना सिस्टम, जो आपके पुनित सर है वो आपके क्या है, क्या बोला था उसने कि अबाव अनिल सर, वो अबाव अनिल सर है बट बिलो क्या है, वो प्रिया मैम है, ठीक। आगे बोला कि 1 ऑफ द इवन नंबर फ्लोर इज एम्प्टी, मतलब जो आपका इवन नंबर वाला फ्लोर होगा वो आपका एम्प्टी होगा। आगे बोला कि मधु मैम लिव्स 4 फ्लोर अबाव अंकुश सर, अंकुश सर के 4 फ्लोर अबाव का मतलब 3 फ्लोर आएंगे आपके अंकुश सर और मधु मैम के बीच में। अब अंकुश सर आपके इवन नंबर पे है, आप इधर भी ले सकते हो 1 2 3, मधु मैम यहाँ पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो मधु मैम यहाँ पे तो आ जाएगी बट उसके ऊपर आपके प्रदीप सर आने चाहिए, मतलब पॉसिबल नहीं है। तो देखो आपको पता चल रहा होगा कि सपोज आप क्या करते हो, अंकुश सर को लेते हो 2nd फ्लोर, ठीक, उसके 3 फ्लोर अबाव आपके क्या है, मधु मैम है, तो 1 2 3 यहाँ पे क्या आ गए आपके, मधु मैम आ गई। तो उसने क्या बोला कि 4 फ्लोर अबाव अंकुश सर, यहाँ पे क्या आ गए आपके, मधु मैम आ गए, ठीक है। चलिए और क्या है, मधु मैम के 1 फ्लोर छोड़ के आपके प्रदीप सर है, तो मैडम के आपके ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गए आपके, प्रदीप सर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया मेरा। चलिए इसको डालते हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, प्रदीप सर और राधे सर के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, प्रदीप
प्रदीप सर ये हो गए, तो एक दो फिफ्थ फ्लोर पे आ जाएंगे आपके राधे सर। ठीक है, अब देखो प्रिया मैम और अंकुश सर के बीच में एटलीस्ट वन तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब इसको यहां से इरेज कर देते पहले हम, ये हो गया ना हमारा। ठीक है, अनवांटेड साउंड हो तो कृपया उसको इग्नोर कर देना गाइस। ठीक है, ये हो गए मेरे। ठीक है, अब देखो आपकी क्या ये इंफॉर्मेशन बची एक, और एक आपकी ये वाली बची। इससे आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। कैसे, अगर आप सपोज यहाँ पे लेते हो किसको, प्रिया मैम को, क्योंकि एटलीस्ट वन है अंकुश सर और प्रिया मैम के बीच में। प्रिया मैम यहाँ आ जाएगी, प्रिया मैम के नीचे पुनीत सर और अनिल सर यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो उसने एक चीज बोली थी आपकी, वन ऑफ द फ्लोर इज एम्प्टी इज इवन नंबर, मतलब जो इवन नंबर वाला फ्लोर आपका एम्प्टी होगा, तो इवन नंबर वाला देखो ये बचा है, ये खाली हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपकी प्रिया मैम आ जाएंगे, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, आपके पुनीत सर आ जाएंगे, उनके नीचे आपके क्या है, अनिल सर है। ठीक है, ये हो गया, यहां से हमारी कंप्लीट। तो यही मैं आपको बोलता हूं, एक एक चीज बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं गाइस, बड़ी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहा हूं। तो आप इसको ऐसे करिए कि देखो आपको मैं गारंटी देता हूं, आप हमारे साथ रेगुलर जुड़ जाइए, हमारे चैनल के साथ आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा और ऐसी अप्रोच मिलेगी, अगर आप उसको एग्जाम में फॉलो करते हो तो आपका रीजनिंग में 35 में से 35 की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, अब मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा मैथ सेशन के भी लाने के लिए, उसके लिए टीचर से बात चल रही है, उसके आने के बाद आपको मैथ्स के और इंग्लिश के भी सेशन आपको डेली मिलेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये था हमारा आज का, दो क्वेश्चन थे। डेली इस क्लास की टाइमिंग रहेगी आपको मॉर्निंग में 9:30 बजे। ठीक है, या फिर मिलेगी आपको 9:45। ठीक है, मॉर्निंग मिलेगी मंडे से लेके सैटरडे तक। ठीक है, अगर आपको लगता है कुछ चैनल से सीखा है, उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि बेल आइकन और साथ में दबा देना, ताकि जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस।